दोस्तों बिहार के जिया बिलाल ने नीट 2021 में टॉप किया है। इन्होंने बिहार का नाम रोशन किया है, साथ ही साथ अपने परिवार का, अपने जिला का, अपने स्कूल्स का और ले देके अपने देश का नाम रोशन किया है कि इन्होंने टॉप किया है। तो कितने मार्क्स इनको आए हैं, कितने क्वेश्चन इनके सही हुए हैं और कहां का रहने वाले हैं, थोड़ा सा संक्षिप्त में आपको इनके बारे में डिटेल बताता हूं। तो दोस्तों बहुत बहुत बधाई इनको। इन्होंने 180 क्वेश्चंस में से कितना 179 बनाया है, यानी 179 क्वेश्चन बनाया है आउट ऑफ 180 में। एक क्वेश्चन गलती के होने की वजह से इनका रैंक कितना आ गया, 19वां रैंक आया है। सिर्फ एक क्वेश्चन इन्होंने गलत किया, सिर्फ एक क्वेश्चन। इसलिए मैं कहता हूं कोई भी टेस्ट हो या कुछ भी हो, एक नंबर का भी मर्यादा, एक नंबर का भी नियम, एक नंबर से भी कोई आगे बहुत निकल जाता है, कोई पीछे निकल जाता है। सिर्फ एक क्वेश्चन इनका गलत है, सिर्फ एक क्वेश्चन। तो अगर एक क्वेश्चन सही हो जाता तो इनको 720 में से 720 आ जाता, लेकिन एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो एक पेनाल्टी लग गई और एक क्वेश्चन का चार नंबर कट गए, तो टोटल पांच नंबर कट गए। तो इन्होंने 720 में 715 अंक प्राप्त किए हैं। इन्हें बिहार में पहला स्थान मिला, यानी बिहार पूरे राज्य में जो कि जनसंख्या के मामले में कितना बड़ा है, यूपी के बाद बिहार ही है जनसंख्या के मामले में, वहां पे इनको पहली स्थान मिला है और पूरे देश में 19वां रैंक लाए हैं। इनका परसेंटाइल देखें तो 99.9987 परसेंटाइल है। इनका पिता का नाम मोहम्मद मसूद असलम अंसारी है। दूसरा स्थान जो पाए हैं वो कंकड़बाग के निवासी डॉक्टर सुनील कुमार के बेटे दर्श कौस्तुंभ है, कौस्तुंभ को मिला है। इन्होंने 720 अंक की परीक्षा में 706 अंक लाकर पूरे बिहार के दूसरे स्थान प्राप्त किया है। इन्हें 99.9964 परसेंटाइल मिला है। वहीं रमन बनर्जी को 705 अंक मिले हैं। इनका ऑल इंडिया रैंक 103 है। गोल्ड विलेज की तैयारी कर रहे अमन हर्ष 696 एवं प्रिंस प्रियदर्शनी ने 691 अंक प्राप्त किया है, जिनका ऑल इंडिया रैंक क्रमशः 241 एवं 390 है। इस बार बिहार से 83,000 स्टूडेंट एग्जाम दिया था, कितना 83,000 स्टूडेंट शामिल थे और इस 83 में जिया बिलाल ने नंबर वन हासिल किया है। तो बिहार के मेडिकल कॉलेज में करीब 1385 सीट है, तो इस 1385 सीट के लिए 83,000 छात्र कंपटीशन दिए थे। वैसे ऑल इंडिया कोटा भी होता है, स्टेट लेवल कोटा भी होता है। तो बहुत बहुत बधाइयां जिया बिलाल जी को, और इनके फादर जो है वो मसूद आलम अंसारी हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई और पूरा बिहार को बधाई कि जिया बिलाल ने बिहार का नाम रोशन किया। सिर्फ एक क्वेश्चन से गलती की वजह से इनका 19वां रैंक आया है, लेकिन बिहार में नंबर वन इन्होंने रहा है। ऐसी यूजफुल मोटिवेशन वाले, जान लगाने वाले वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक तो कर दिए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।